और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 40 साल की न्यूनतम स्तर पर पहुंची है देश की जीडीपी। जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 40 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। तो देश की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, 40 साल के न्यूनतम स्तर पर देश की जीडीपी पहुंच गई है। 23.9% गिरावट जीडीपी में दर्ज की गई है, यानी सकल घरेलू उत्पाद के आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से सही नहीं है। आज इसके आंकड़े आने थे, अब आंकड़े सामने आ गए हैं जो ये साफ तौर से कह रहे हैं कि देश की जीडीपी में 40 साल के न्यूनतम स्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 23.9% गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। कोरोना का संकट जिस तरह से चल रहा था उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जीडीपी में गिरावट दर्ज हो सकती है, लेकिन इतनी गिरावट, इस तरह की आशंका किसी ने व्यक्त नहीं की थी। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही माइनस में जा रही है, मंदी का दौर लगातार जारी है, उस बीच ये आंकड़े साफ तौर से ये इशारा कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कितने नीचे यहां पर पहुंच गई है कोरोना काल में। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, जो आंकड़े सामने आए वो साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था संकट काल से गुजर रही है, 40 साल के न्यूनतम स्तर पर।